ये अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए धुआंधार प्रचार पूरे बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से, और खुद क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमान यहां पर संभाली गई है, तो जाहिर सी बात है तंज कसते हुए व्यंग के अंदाज में किस तरह से शिवपाल यादव पर वो भी नजर आए। वो तंज जरा आप सुनिए जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए अपने विपक्ष पर साधा गया है। लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। हर पार्टी ने कमर कस रखी है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दावों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि अब सियासी तौर पर पारिवारिक तौर पर यह सफर उनका और ज्यादा आगे बढ़ता रहे। उसी के लिए क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही है, किस तरह से सियासी रणनीति को वो साध रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। पश्चिमी यूपी में फंसी अखिलेश की साइकिल, फिर फंस गई समाजवादी साइकिल की सियासी चेन। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें कतई कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और फिर मेरठ में प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की टेंशन अभी कम भी नहीं हुई थी कि तमाम गुणा गणित के बाद अखिलेश को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। मुरादाबाद और रामपुर में तो इतनी फजीहत हुई कि पार्टी के सिंबल पर दो दो प्रत्याशियों ने नामांकन कर ताल ठोक दी। आलम यह हो गया कि लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित नफा नुकसान लगाने में लग गए। भला हो कि वक्त रहते अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब बदायूं सीट अखिलेश के गले की फांस बन चुकी है क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है। चाचा की गुगली में फंसा भतीजा, शिवपाल यादव ने दी अखिलेश को टेंशन। अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा जताया था चाचा शिवपाल पर। भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर चाचा को यूपी के बदायूं से टिकट दिया था। उम्मीद जताई गई थी कि बदायूं से ही चाचा पूरे पश्चिमी यूपी को साध लेंगे, चाचा शिवपाल साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे अखिलेश फंस कर रह गए, सारी उम्मीदें धरी रह गईं, दिल के अरमान चंद सेकंड में चकनाचूर हो गए। जब टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट के बबराला पहुंचे और वहां चुनावी मंच से चाचा शिवपाल ने ऐलान बदायूं की सीट छोड़ने का कर दिया, साथ ही बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। देखिए यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बेटे को लेकर टिकट की कुर्बानी देने वाले शिवपाल यादव इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो, हम चुनाव लड़ेंगे भी लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। फिर कलह में फंसा अखिलेश का कुनबा, पारिवारिक कलह करेगी साइकिल पंचर। शिवपाल ने बदायूं से बेटे के नाम का प्रस्ताव रखा तो उसे भाई धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन देने में देर नहीं की। हालांकि चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर साइकिल के कुनबे में नई कलह के संकेत दे दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और खुशी होगी, चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब इसे धर्मेंद्र की टिकट कटने की कसक कहें या वाकई चाचा शिवपाल को लेकर कुनबे में कलह है, या ये कहें कि शिवपाल यादव का मन बस लखनऊ की राजनीति में ही रमता है, उन्हें दिल्ली की सियासी फिजा पसंद नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे के लिए पिता की इस कुर्बानी के मायने क्या हैं?